bismillahirrahmanirrahim respected teachers and dear students alaikum I am vakas Ahmad today we will discuss about mathematics grade 4 this is our unit number 6 it is about geometry and our lesson number 6 in this lesson we will discuss the SLO that is major angles angles using protector लोअर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर रीड्स द मेयर ऑफ एंगल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर को यूज करते हुए जो गिवन एंगल्स है उनको मेयर करना सीखना है बट स्केल कौन सा यूज करना है लोअर स्केल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना है या एंटी क्लॉक अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं प्रीसेसमेंट की तरफ चलते हैं या वार्म अप एक्टिविटी ऑब्जर्व करें इस प्रोटेक्टर को आपके पास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी प्रोटेक्टर होगा उसको भी निकाल लें इसके साथ कंपेयर करें क्या इन दोनों के जो स्केल्स हैं वो सेम है अपर स्केल सेम है और लोअर स्केल सेम है ये दोनों को आपने चेक करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं वाई वी यूज द प्रोटेक्टर हम प्रोटेक्टर क्यों यूज करते हैं एंड देन हाउ मैनी रोज ऑफ सेम से आर देयर ऑन द प्रोटेक्टर कितने रोज हैं प्रोटेक्टर के ऊपर जिनके जिनके नंबर सेम हैं? सो ऑब्जर्व दैट एंड राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक फ्टर दैट यू नीड टू शो योर नोट बुक टू ये आज के जो कॉन्सेप्ट है एंगल्स को मेयर करना है बाई यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड लोअर स्केल जो नीचे वाला स्केल है उसको रीड करते हुए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है मीन के हमने देखना है कि जो नीचे वाला स्केल है एंटी क्लॉक जब हम लोग रीड करेंगे तो हम एंगल को पार्टिकुलर एंगल को मैयर कर सकते हैं अब आ जाए नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में देखें आपके पास कोई भी एंगल इस तरह का गिवन होगा जैसा कि ये एंगल आपके पास सपोज ए ओ बी है इसको मैयर करने के लिए क्या करना है आपने सबसे पहले आपने अपना प्रोटेक्टर लेना है इस तरह इसका जो आपका वो सेंटर पॉइंट नजर आएगा मिड पॉइंट बेस लाइन का मिड पॉइंट उसको आपने वर्टेक्स के ऊपर रख देना है और बेस लाइन को इस लाइन के साथ आपने ये जो लाइन है ओ बी या आम ओ बी इसके साथ रख देना है और फिर मिडल पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इसके साथ रखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का कुछ सीन बनेगा कि ये मेरे पास 51 का बनता है और इसी तरह जब बेस लाइन को आपने इस एंगल के साथ नीचे वाली रे के साथ अटैच कर दिया और मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ अटैच कर दिया एंगल के तो फिर ये जो सेकंड आर्म है उसको देखना है कि ये किस स्केल के ऊपर है ये जो आर्म है ये हमें नजर आ रही है निचले वाले स्केल को आपने रीड करना है ये आ रही है थर्टी फाइव के ऊपर सो so, ये जो एंगल गिवन है इसकी वैल्यू जो है ये थर्टी फाइव है इस तरह के डिफरेंट एंगल्स गिवन होंगे जिनको आपने खुद मेजर करना है बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर और फिर अपने टीचर को चेक करवाना है अब आ जाए नेक्स्ट वर्कशीट के ऊपर ये वर्कशीट आपने क्लास में कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवा देनी है देखिए हमारा जो आज का एस था वो क्या था एस एल यही था कि हमने एंगल्स को मेयर करना था मेयर एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर वेयर लोअर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर रीड द मेयर ऑफ एंगल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट का मतलब इधर से रीड करना शुरू करना है एंटी क्लॉक रीड करना है और नीचे वाले स्केल को देखना है तो इस स्केल की वैल्यू जो है वो 35 है। इस तरह आपने डिफरेंट एंगल्स को मेजर करना है सो so uh, दिस हमारा एस एल ओ था अब आ जाए नेक्स्ट होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों ने ये एक वर्कशीट है ये कंप्लीट करनी है और फिर आपकी टीचर को सबमिट करवा देनी है यहां पर एक एंगल गिवन है इसको आपने मेजर करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड देन उसके बाद क्या करना है अपर और लोअर स्केल का जो डिफरेंस है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करके लेके आना है क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे इस स्केल को ये जो प्रोटेक्टर है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने डिफरेंस अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और फिर अपनी नोटबुक टीचर को सबमिट करवा देनी है तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है इनशाला वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेसन विद न्यू एस एल अल्लाह हाफिज